हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल विदेशी इंडियन में, जो दिल से है इंडियन। तो आज फाइनली, पहले वीडियो में आपने देखा कि मैं मुंबई में थी, हम कैसे इंडिया आए, पर आज फाइनली वो दिन है जब मैं मेरे घर जा रही हूँ, मतलब मेरे मम्मी पापा के घर जा रही हूँ। तो पूरी जर्नी मैं आपको दिखाऊँगी, चलते हैं, मम्मी से मिलाऊँगी। आप मिल चुके हो, आप लोग बहुत सारे लोग मम्मी से ऑलरेडी मिल चुके हो, और पापा को उससे मिलाऊंगी, मेरे भाइयों से मिलाऊंगी, इसे ऑलरेडी मिल चुके हो, और पापा को उससे मिलाऊंगी मेरे भाई। नेक्स्ट मेरे नाना के घर जाने का, जो कि है नेपाल में, मैंने कई बार बोला है। तो चलो पूरी जर्नी देखेंगे, तो क्या करें, चलो शुरू करते हैं। चलो फाइनली आई शुड हैव। रोना नहीं रोना नहीं, बिल्कुल रोना मत। मैं भी नहीं रोऊंगी, 10 दिन बाद रोएंगे जब जाएंगे, तब रोएंगे 10 दिन बाद। तो फाइनली आप लोग मम्मी से तो सब लोग मिले ही हैं, काफी मम्मी का फैन फॉलोइंग है, और ये है मेरे पापा, और अभी और मेरे भाइयों से भी मिलवाएंगे, घर में चलते हैं। ये है मेरा घर, यहाँ मैं पैदा तो नहीं हुई हूँ, बट मैं बहुत बचपन से यहाँ पे रह रही हूँ। चलो चलते हैं। तो आज है करवा चौथ, और मम्मी और मौसी का फास्ट है। तो मम्मी तो आज हम लोग का तो खाना वाना हो गया, पर शाम को हमारे यहाँ करवा चौथ में फरा बनता है, खीर मम्मी बना रही हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें बना रही हैं। तो चलो किचन में, और मैं आपको दिखाती हूँ। ये है देखिए, फरे का कुछ चांद जैसा मम्मी लोगों ने बनाया, मम्मी और मौसी ने, और इसका पूजा होगा अभी। फरे का चांद है। ये है आलू का अचार, ये मेरे ननिहाल की रेसिपी है, मैंने बहुत बार अपने वीडियोस में इसका जिक्र किया है, आलू का अचार। खीर, तो फरे के साथ खीर खाते हैं, तो ये मम्मी ने बनाया है स्पेशल खीर, देख सकते हो। और ये एक लड़का है हमारे घर पे जो बेड में लेटते ही, और जैसे ही इसको कोई इंटरेस्टिंग चीज दिखाओ, कुछ भी, इसको किचन में लाके स्लैब पे खड़ा कर दिए ना, आप देखो इनके लिए स्पेशल गाना गाते हैं, इनका एक्टिविटी देखें। तो इनकी मम्मी सो रही हैं, और इनका पूरा जिम्मेदारी मेरे को दिया गया है, तो हम पूरा एकदम एक्सपर्ट बन गए हैं। तो यहाँ हो रही है फरे की तैयारी, दीदी और ये मेरी नीज है, हम लोग सब लोग मिलके बना रहे हैं फरा। तो फरा टिपिकली चावल के आटे से बनता है, और उसमें बीच में दाल की फिलिंग डाली जाती है। ये कौन है, ये तो आप जानते ही हो, आ गई हूँ मैं एकदम अपने देसी रूप में, गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग कैसे अपना, ये क्या कह रहे हैं, अपना फरा स्वयं बनाते हैं। क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो, कौन बोला इतना रोने के लिए, क्या है, क्या है? ये है मेरे घर का मंदिर, ना जाने इस मंदिर में जो मूर्तियां हैं और जो फोटोज हैं, या जो शिव जी आप देख रहे हो ना, ये मैं जब से, मुझे मैंने होश संभाला है तब से वो शिव जी हैं इस मंदिर में। हमने कितने सारे फेस्टिवल यहाँ पे इस मंदिर के सामने सेलिब्रेट किए हैं। और ये है कान्हा जी का पालना, तो कान्हा जी रोज इसमें ही सोते हैं, हमारे यहाँ लड्डू गोपाल की पूजा होती है। ये है गोभी की सब्जी खीर के साथ, आई डोंट नो क्या कॉम्बिनेशन है, पर मम्मी ने गोभी का सब्जी बनाया है। ये फरा बना है, और अभी ये इतना नहीं है, ऑलरेडी थोड़ा सा मम्मी अभी और भी बना रही हैं। इससे आप समझ सकते हो कि कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में फरा बना हुआ है, और एक्चुअली हैं भी 5-6 लोग तो हमारे घर के ही हैं। और ये नॉर्मल ऐसे स्टीम अभी है, तो आप फ्रेश खाओगे तो बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट रहेगा, ये सारे जो 4-5 कॉम्बिनेशन है उनके साथ। अदरवाइज जो मेरा फेवरेट है ना,
मॉर्निंग में मम्मी उसको फ्राई करती है मस्त ऑयल में, अच्छे से उसको फ्राई करती है, तो वो बहुत ही क्रिस्पी हो जाता है, तब बहुत अच्छा लगता है। चाय के साथ खाओ। और फरा बनाया मतलब जब तक 2-3 दिन तक फरा चले नहीं तब तक क्या मतलब है। अगर आपके घर में भी फरा बनता है, आप जानते हो फरा क्या है, तो आप बताना मुझे कमेंट करके, आई विल बी रियली हैप्पी, बिकॉज हमने तो बचपन से खाया, करवा चौथ में तो बनता ही बनता है। तो अभी चांद निकल चुका है और मम्मी लोग जा रही हैं पूजा करने के लिए, पापा भी बोल रहे हैं मेरा भी वीडियो बनाना, और सब लोग हम लोग जो लोग व्रत नहीं भी हैं वो लोग भी पूरा फुल रेडी हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, दीदी हैं, पापा पता नहीं कौन सी टोपी लगा लिए हैं, ये मेरा भाई है, तो अगर आप अभी तक मेरे भाई से नहीं मिले तो ये मेरा भाई है, और ये हैं, इनको तो आप जानते ही हैं, इधर इधर इधर, ये मेरे दीदी का बेबी है, अग्रिम नाम है इसका, और ये मेरे पापा हैं, पापा से आप नहीं मिले हैं तो ये मेरे पापा हैं। पूरा पूजा का अरेंजमेंट हो चुका है, मौसी पूजा की तैयारी कर रही हैं ऑलमोस्ट। आप देख सकते हो कि मैं रेडी हो चुकी हूँ, ऑल दो मेरा व्रत नहीं है पर फिर भी मैंने भी मौके पे चौका मार के रेडी हो ली। गाइस प्लीज इग्नोर माय चप्पल, तो जाने दो, और हम लोग देखते हैं कि बाकी लोग भी घर पे सब रेडी हैं, सब ने कैसे कैसे तैयारी की है, मम्मी लोग की पूजा देखते हैं और करवा चौथ सेलिब्रेट करते हैं। तो करवा चौथ में हमारे यहाँ है ना, जो देख रहे हो आप, एक सीका टाइप का है ना, आई डोंट नो उसका क्या सिग्निफिकेंस है, पर करवा चौथ में ये बहुत एसेंशियल इंग्रेडिएंट है। तो मम्मी लोग इसको लेके एक सर्कल करती हैं और हम लोग उसमें, मतलब मैं, मुझे याद है मम्मी जब करती थी तो मैं बचपन से उसमें पानी डालती थी, तो दिस इज समथिंग, अगर आपको इसका सिग्निफिकेंस पता होगा तो लेट अस नो। पापा कुछ बोलिए। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी बेटी आई हुई है आज 4 साल के बाद, हम लोग बहुत खुश हैं अपने बच्चे के साथ, बाबू भी मेरा आया हुआ है, मेरे सारे बच्चे आए हुए हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बाबू जाओ चिपक लो पापा को। यस, मैं यहाँ पे पापा के साथ चिपकते हुए इसको डस्टबिन में से उठा के लेके आए थे हम लोग। डस्टबिन से मैं उठा के लाया, तो इसको नाली से उठा के लेके आए, एज यूजुअल ये डस्टबिन से लाया गया था, नाली से उठा के लेके आए थे। और छोटे वाले भाई को हम लोग ऐसे जो चीनी बोरे का जो मिट्टी यहाँ पे मिलता है वहाँ से लेके आए थे। छोटा वाला भाई अभी चला गया है, तो वी आर मिसिंग यू आयुष। चलो चलिए। अरे दादा टाणा डाणा और हैंडसम लग रहे हैं पापा चलने में से। पैर नहीं छुएंगी, संस्कार नाम का चीज नहीं है। चाहते हैं कि जितने जन्म हो हर जन्म में यही मिले। खुश रहो, खुश रहो। फाइनली इतने देर के बाद इन लोग रसगुल्ला खा रही हैं। कैसा डिफरेंट टेस्ट लग रहा है क्या रसगुल्ले का, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। पानी भी ला के रख दिए हैं हम, पूरा सेवा करने का, सेवा करके पुण्य कमाने का मौका छोड़ नहीं रहे हैं। सबसे बढ़िया पानी लग रहा है। हाँ सही। सच में व्रत के बाद सबसे बेस्ट पानी लगता पीते ही चले जाएं, पीते ही चले जाएं। हाँ अब तो बस खाना ही है, सब कुछ पंच पकवान तैयार है, बस धावा बोलना है, वह खा के मस्त सोना है। तो इन लोग का खाना हो गया, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन लोगों के लिए रसगुल्ला है, मैं दिखाती हूँ ये पूरा डब्बा भर के हम लोग के लिए भी रसगुल्ला आया है। बच्चे लोग जो बिल्कुल भी कोई तपस्या नहीं किए लेकिन फल पूरा जिनको चाहिए, हम लोग भी रसगुल्ला खाएंगे। तो बस इतना सा था हमारा आज का वीडियो, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड आई विल सी यू सून अगेन विद येट अनदर ऑसम ब्लॉग। Thank you.